नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करूं उसके पहले उन तमाम सब्सक्राइबर्स का, व्यूअर्स का दिल से, तहे दिल से शुक्रिया जो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि मैडम आपका गला खराब है, आप गर्म पानी पिए, आप अपना ध्यान रखें। अच्छा लगता है जब आपके ऐसे कमेंट्स पढ़ती हूँ। ये तो थोड़ा सा सर्दी है, जुकाम है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, ये कोई टेंशन का विषय नहीं है। और आप इतने सारे लोग अगर इसी तरीके से अच्छी दुआएं करेंगे तो नो डाउट सब कुछ बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा, ये तो कोई बात ही नहीं है। तो चलिए, आज का उपाय मैं आपको बताऊँ। आज गुरुवार का दिन है। लाइफ में कोई भी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, भगवान नाम वो नाम है, भगवान का ध्यान वो ध्यान है जो इंसान को तमाम मुसीबतों से पार कर देता है। क्योंकि ये वो शक्ति है जो आप अपने अंदर लेकर के बैठे हैं और तुरंत ही आप उसको प्रज्वलित करते हैं, और जो उसकी उसका जो प्रकाश, जो उसकी ज्योति है, यही वो चीज है जो आपके तमाम तकलीफों को दूर कर देती है। ये नाम आप तब अपने अंदर रख सकते हैं जब आपके अंदर आस्था हो, किसी और पर विश्वास हो। जमाना इतना खराब आ गया है दोस्तों कि कोई किसी पर भरोसा नहीं करता, और ये हकीकत भी है। कई लोगों को मैंने देखा जहां बेटे अपने सगे पिता के साथ धोखा कर रहे हैं, अपनी बहन के साथ धोखा कर रहे हैं, माँ के साथ धोखा कर रहे हैं, माता पिता उन पर अंधा विश्वास करके ही बैठे हैं कि ये तो हमारे सुपुत्र हैं, सुपुत्र अब नहीं है। तो जमाना बहुत खराब है, सुपुत्र सुपुत्र नहीं रह गए, एक कपूत हो गए हैं, दोस्त दोस्त नहीं रह गए, दुश्मन हो गए हैं। किसी भी रिश्ते में आज के जमाने पर भरोसा करना बहुत तकलीफ देह साबित होता है, तो लोग किसी पर अब विश्वास ही नहीं करते है ना। लेकिन जिनका भरोसा है भगवान पर, वो हमेशा खुश रहते हैं। ये नहीं कि उनकी लाइफ में तकलीफें नहीं आती, तकलीफें तो सभी की लाइफ में आती है, लेकिन जो ईश्वर पर भरोसा करते हैं वो बहुत जल्दी तकलीफों से निकल जाते हैं। गुरुवार के दिन दोस्तों, कोई भी कितनी भी बड़ी आपकी लाइफ में तकलीफ आई हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। प्रत्येक गुरुवार पीले रंग के कपड़े पहनकर पीपल के पेड़ के पास जाएं और हल्दी वाला जल पीपल के पेड़ पर अर्पित करें, घी का दिया लगाएं और 3 अगरबत्ती लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र 21 बार बोल करके ही वापस लौटे। गुरुवार के दिन केले के पौधे की पूजा करें, केले के पौधे की जड़ पर चने की भिगोई हुई दाल और गुड़ अर्पित करें और वहीं पर बैठकर 108 बार ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप कर लें। आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी प्रकार का दुख हो, बहुत जल्दी दूर होगा। गुरुवार के दिन 3 हल्दी की गांठ ले लें और इसको अपने राइट हैंड में रख करके मुट्ठी को बंद करें और 51 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को बोलें और इन 3 गांठों को शिवालय में ले जा करके, यदि शिवालय में आपको कहीं कच्ची मिट्टी दिखती है तो वहां गड्ढा करके गाड़ दें। अगर शिवालय ना हो आपके घर के आसपास तो लक्ष्मी नारायण का कोई मंदिर हो वहां जाकर के आप इस क्रिया को करें। दोनों ही मंदिर ना मिले तो फिर आप जो भी मंदिर आपके घर के आसपास हो वहां जाकर के इन हल्दी की गांठों को गाड़ दें। गाड़ते हुए आप अपनी इच्छा बोलें। दोस्तों, बहुत जल्दी आपकी इच्छा पूरी होगी,
पृथ्वी माता के अंदर जो चीज दबा दी जाती है वो पृथ्वी का ही रूप बन जाती है। जैसे अभिमंत्रित जल आप पीते हैं तो जल आपके बॉडी में जाकर आपका ही रूप बन जाता है। ऐसे पृथ्वी के अंदर गाड़ दी गई चीज, मिट्टी के अंदर दबा दी गई चीज पृथ्वी का ही रूप बनती है, और पृथ्वी के अंदर जो भी बीज दबा दिए जाते हैं वो एक दिन वृक्ष बनकर बाहर आते हैं। ऐसे ही जिन विचारों के साथ आप हल्दी को जमीन में गाड़ेंगे वो हल्दी जमीन में गलती जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी होती जाएगी, हल्दी पृथ्वी का रूप लेना शुरू हो जाएगी। हल्दी साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। हल्दी भगवान नारायण को भी बहुत प्रिय है। गुरुवार के दिन आप इस उपाय को करें, बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, करके देखिए। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। जय श्री कृष्ण।